हम निमाड़ से मतलब मध्य प्रदेश से आए हैं, खरगोन जिला से। मैं भी ग्रामीण के अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम सरला जोशी है। लेकिन हमको ये घोषित करना है कि ये सरकारी घोषित हो जाए, हमारी जो मांगे हैं वो मांगे पूरी की जाए, हम लोगों को पेंशन सुविधा मिले, सीधा हमको प्रमोशन मिलना चाहिए। जैसे कि सीधी भर्ती हो रही है तो दूसरी लड़कियों को भर्ती कर देते हैं, हम लोग 25 साल से कर रहे हैं कार्यक्रम, तो हमको प्रमोशन देना चाहिए। हम लोग भी देख, हमारा सरला जी आप कब से काम कर रही हैं? हम 97 से काम कर रही हूँ। 97 से? हाँ। आपके टाइम में कोई 60 साल की 62 साल की भी महिला हुई होंगी? हाँ। जब वो रिटायर्ड होती हैं तो उनको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, बेचारी रोती रही। उसको कोई ना तो पेंशन योजना बनी, कहीं नहीं। हम ये चाहते कि हमको बुढ़ापे का सहारा चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए, रेगुलर चाहिए, दूनी तनख्वाह देना चाहिए। दिन भर हमको एक उसे घसीट के काम करवाते, जहाँ भी काम हो हमको घुसेड़ देते, उसका कुछ हमको फायदा नहीं मिलता है। हर जगह स्वास्थ्य विभाग का काम हो तो पंचायत का काम हो तो अभी और आधार कार्ड से लिंग करवाने के लिए हमको बोला है कलेक्टर का आदेश, तो हम सब काम करते हैं, लेकिन हमारी जो मांगे वो कलेक्टर साहब भी नहीं और हमारे मोदी साहब भी नहीं और क्या नाम से मामा श्री हमारे, वो भी नहीं हमारी मांगे पूरे करे। केंद्र सरकार ने बोल दिया है, मेनका गांधी ने बोल दिया कि इनकी तनख्वाह राज्य सरकार सब दूर से घोषित हो गए, लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा है। घोषणा करने के बाद हमें हमारे पीछे मुड़ के हमको देखा भी नहीं कि क्या हो रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक तरह से हमारा शोषण हो रहा है, मतलब कार्यकर्ताओं का।